नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर आपको कंटिन्यू बैंक निफ्टी की वीडियो मिलती है। और हम यहां पर जो है बैंक निफ्टी की वीडियो में जो है इंट्राडे की एनालिसिस करते हैं कि कल क्या प्रेडिक्शन करते हैं कि कल कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होंगे और आज मार्केट ने किस तरह से ट्रेड किया। सो अगर आपको कंटिन्यू, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफी काम आने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट का जो देखिए ओपनिंग जो हुई थी वो 25,108 के लेवल पर हुई थी। बहुत अच्छी गैप ओपनिंग हुई थी। जो बैंक निफ्टी का हाई लगा वो लगा 25,751 का, लो लगा 25,108 का और क्लोजिंग जो आई है वो आई है 25,177 पर। तो यहां पर आपने देखा कि जो ओपनिंग थी जो 25,108 थी वही बैंक निफ्टी का लो था, ठीक है। तो यही देखते हुए हमने जो है फर्स्ट ट्रेड जो है एग्जीक्यूट किया था। मैं आपको भी 5 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूं, ये देखिए। तो मैं ऑब्वियसली जो है मैं 1 मिनट और 2 मिनट की कैंडल में काम करता हूं, तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं 1 मिनट की कैंडल मैं पहले आपको दिखाता हूं कि मैंने किस बेस पर अपना जो है फर्स्ट ट्रेड यहां पर हमने लिया था। तो ये देखिए, ये जो है फर्स्ट कैंडल यहां पर बनी हुई है। तो ये देखिए, ये जो कैंडल आप एक बड़ी कैंडल यहां पर देख रहे हैं 1 मिनट की, तो इसका जो हाई लगा था 1 मिनट का वो लगा था 25,344 का। 25,344 का लेवल जैसे ही क्रॉस हुआ तो मैंने जो है मतलब अपना ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट कर लिया था। कुछ ट्रेड क्वांटिटी मैंने जो है पहले मिनट के कैंडल के अंदर ही एग्जीक्यूट की थी और कुछ क्वांटिटी मैंने इसके ऊपर ऐड कर ली थी। तो फाइनली मतलब मैंने जो है 25,300 की कॉल हमने 406 में बाय कर ली थी, जिसको हमने एवरेज जो है 528 के एवरेज पे जो है हमने इसको निकाला था। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ठीक है। और मैं आपको अपनी सारी कॉलें बताऊंगा कि आज हमने किस तरह से कॉल ली और कितना बेनिफिट हुआ, कितना क्या हुआ, सब चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बैंक निफ्टी हम जो है 15 मिनट का चार्ट ला के यहां पर देख लेते हैं। तो जैसा कि यहां पर कल बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी वो क्लोजिंग हुई थी 24,845 के लेवल पर, और जो आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई वो 25,108 के 108 पर हुई। तो देखिए, हमारा जो है बुलिश साइड जाने का जो है फर्स्ट ट्रेड जो मैंने बुलिश साइड लिया था उसका कारण ही यही था कि इसकी जो है ओपनिंग 25,100 के ऊपर हो रही है। अगर यही ओपनिंग 25,030, 25,035, 25,020 पर होती तब मैं कॉल साइड नहीं लेता, तब मैं वहां पर वेट करता। यहां पर जो है 25,100 के ऊपर जो है ओपनिंग हो गई थी और कंटिन्यू जो है बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना चालू किया। सो हमने जो है फर्स्ट ट्रेड जो है मतलब 25,300 की कॉल में बनाया था। तो यहां देखिए, यहां भी अगर आज देखा जाए तो मार्केट ने एक रेंज में काम किया कुछ टाइम के लिए। जब ये देखिए फर्स्ट कैंडल जो आप देख सकते हैं, फर्स्ट कैंडल ने जो यहां पर एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद ये देखिए मार्केट एक, ये देखिए, एक दो तीन चार पांच छह नियरबाउट 2 घंटे के लिए एक रेंज में आ गई थी। और इसके बाद जो है मतलब यहां पर हमने एक पुट का ट्रेड भी बनाया था। पुट इस ट्रेड में भी जो है हमने नियर अबाउट 60 से 65 पॉइंट यहां पर लिए थे। उसके बाद मैंने आपको ये कॉल भी एक दी थी, ये मैंने आपको एक चार्ट बनाकर इस तरह से दिया था कि जब भी इस लेवल के ऊपर मार्केट निकले तो आप जो है कॉल यहां पर बाय कर सकते हैं। और फाइनली देखिए, यहां से निकलने के बाद जो है मार्केट ने एक अच्छी मूव दी और हमने यहां पर नियर अबाउट 150 पॉइंट से 160 पॉइंट मिले थे यहां पर। और हमने यहां पर ऑप्शन में जो है 60 से 65 पॉइंट यहां पर भी जो है हमने बनाए थे। तो चलिए यहां पर देखिए, और उसके बाद मैंने आपको एक ट्रेंडलाइन में ड्रॉ करके बताई थी, जो मैंने आपको बताया था कि जहां से अगर यहां से गिरावट हुई तो एक बहुत तेज गिरावट होगी, और फाइनली वहीं पे गिरावट हुई थी। वहां पर हमने 25,500 की पुट 378 में बाय की और 463 के एवरेज प्राइस पर हमने बेची थी। अब देखिए, जहां से गिरावट हुई थी वहां से बाउंस बैक का जो है रियल रीजन क्या था, मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 5 मिनट का चार्ट मैंने ऊपर करके रखा हुआ है। अब ये देखिए, हम कल का चार्ट ले रहे हैं, कल के चार्ट में हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब यही देखिए, हम ट्रेंड लाइन जो है एक्सटेंड कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को अब हमने एक्सटेंड कर लिया है। तो ये देखिए, फाइनली यहां पर देखिए, जब यहां पर मार्केट में एक तेज गिरावट हमको देखने को मिली नियर अबाउट 2 बजे और 2:15 बजे के नियर अबाउट, तो देखिए कितनी तेज गिरावट देखने को मिली थी। और एक ही कैंडल का अगर आप हाई लो देखेंगे तो लो 25,500 और हाई जो है 25,650, 150 पॉइंट की एक ही कैंडल 5 मिनट की बनी थी। और फाइनली उसके बाद जो है जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को टच किया तो हमने यहां पर जो है अपना ट्रेड जो है एग्जिट कर दिया था अपने प्रॉफिट बुक करके, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से ट्रेंड लाइन काम करते हैं, जहां पर ज्यादा
ज्यादा टचेस वगैरह हो जाते हैं, जैसे ये 5 मिनट के, अगर हम इसको 2 मिनट का हम अगर लगाएं तो फिर 2 मिनट का काफी छोटा हो जाएगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। चलिए ये चीज था, ये हमारी कल की प्रेडिक्शन थी कि अगर मार्केट देखिए, कल जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर हमको आज के हाई के ऊपर मिलता है, मीन्स अगर हमको 25,130 के ऊपर मिलता है तो हम इसमें जो है बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। अगर जिन लोगों ने भी कल की वीडियो देखी होगी, उम्मीद करता हूं कि उन लोगों ने बहुत अच्छे पैसे आज बनाए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब बैंक निफ्टी में हम कल क्या कर सकते हैं। तो अब जैसा अगर हम वन डे का हमने चार्ट लगाया है, तो ये देखिए सबसे पहले मैं आपको ये ड्रॉ एक लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूं, जो पिछला एक इस तरह का सिनेरियो बना हुआ था। देखिए ये फर्स्ट टॉप था और ये सेकंड टॉप था। कल ऐसी प्रेडिक्शन थी कि अगर ये आज के हाई को नहीं निकालता है तो कल ये जो है कुछ कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है या फिर नीचे की तरफ भी जा सकता है, बट हमारी ओपनिंग ही आज के हाई के ऊपर हो गई थी, सो इसलिए हमने जो है यहां पर बाइंग साइड में को प्रेफर किया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं, ये देखिए मैं आप यहां पर पीछे लेके आपको चलता हूं। तो ये देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल का हाई लगा हुआ है 25,670। सो मैंने आपको बताया था 25,640 से 660 के बीच में एक रेजिस्टेंस मिल सकता है बैंक निफ्टी को। तो देखिए वहां पे एक रेजिस्टेंस मिला और मार्केट वहां से जो है रिवर्स बैक भी हुई थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है देखिए 25,900 के बाद 26,200 और उसके बाद 26,400। तो ये हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे और कल हमने किस तरह से काम करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर देखिए मार्केट यहां पर, पहले मैं इसको 15 मिनट का चार्ट करता हूं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले कर रहा है वो है ये ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए मेन रोल प्ले कर रहा है। अब हमने देखिए अगर हम सेल साइड में अगर हमने जाना है तो सिर्फ हमको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वैसे ही आप इसमें जो है सेल की एंट्री बना सकते हैं। देखिए बाइंग के लिए मैं अभी कोई खास नहीं कहूंगा क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू बहुत अच्छी मूव हो चुकी है। अभी मैं जो मार्केट को देख रहा हूं वो मैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे देख रहा हूं। अगर मार्केट में देखिए मैं आपको इसमें 2-3 सिनेरियो बता देता हूं। अगर देखिए मार्केट यहां पर फ्लैट ओपन होता है, मींस इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर ही ओपन होता है, सपोर्ट के आसपास ही ओपन होता है, तो आप इस सपोर्ट के आसपास कोई हैमर कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल देखकर बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप मान लीजिए आज की क्लोजिंग है 25,674 की, अगर ये गैप अप ओपन होता है 25,800 तो 25,900 जो है हमारा जो है अगला टारगेट है। तो 25,900 हमारा जब टारगेट ही अचीव हो गया तो वहां पर बाइंग का कोई ट्रेड नहीं बनता है। गैप अप ओपनिंग में आपको कल जो है वेट करना है, प्राइस एक्शन के बाद ही आपने जो है अपना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए आपको मैंने पहला सिनेरियो बता दिया, अगर यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये फिर बाउंस बैक लेता है इस ट्रेंड लाइन पर, फिर यहां पर कोई अगर कैंडल दिखती है, कोई हैमर, कोई एंगलफिंग या फिर कोई भी डोजी या कोई भी कंफर्मेशन मिलता है, फिर हम बाइंग साइड को जा सकते हैं। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग में हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको एक प्राइस एक्शन बनने देना है। लेट मैं आपको ये चीज बता देता हूं, जैसे मान लीजिए इस तरह से मार्केट मान लीजिए यहां से निकलती है, फिर इस तरह से जब इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, आप अब ये समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए मार्केट यहां पर ओपन हुई है, ओपन होने के बाद जो है ऊपर जाकर फिर नीचे आती है और फाइनली जब फिर इस लेवल को ब्रेक करती है, मीन्स जब प्राइस एक्शन जब बनेगा तो हमारी एंट्री इस लेवल पर होनी चाहिए, यहां पर हमारी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग में जो है हमको एक प्राइस एक्शन का वेट करना है, प्राइस एक्शन के बाद ही आपने जो है कोई अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज जो है आप ट्रैप हो सकते हैं इसमें बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब जो है मैं दूसरा आपको सिनेरियो एक और बता देता हूं कि अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो आपने किस तरह से ट्रेड करना है। गैप डाउन ओपनिंग में जो है आपने देखिए गैप डाउन अगर ओपनिंग यहां पर देखिए अगर तो 25,000 के लेवल के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, वैसे 25,600 है, 500-600 पॉइंट की जो है अभी हम नहीं कह सकते 500 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगा। मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मार्केट में कोई बैड न्यूज आ जाती है या फिर अभी जो है मतलब ये सुनवाई चल रही है अपने मॉरेटोरियम केस की, इन सब की मतलब रिगार्डिंग कोई भी बैड न्यूज आ जाती है और आपको मार्केट जो है 25,000 के नीचे मिलती है, हम तभी उसको सेल करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो है दोबारा जो है 25,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये ब्रेक होने के बाद जब आपको 25,200 के लेवल पर मार्केट जब भी मिले बैंक निफ्टी, आप यहां से जो है बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। हमको सेल करना है 25,200 के नीचे और इस लेवल के नीचे, मैं आपको ये लेवल मैं ड्रॉ करके दिखा दूं, मैं ये लेवल में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है।
मान लीजिए यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है 25,600 के लेवल ब्रेक हो रहा है और 25,500 के नीचे क्लोजिंग आ गई है, तो आप यहां पर जो है 25,500 से 25,250 मतलब 200 से 250 पॉइंट के लिए आप यहां पर सेलिंग साइड में जा सकते हैं। अदरवाइज अभी जो है मतलब आपको बाइंग साइड में जो है मतलब अभी ये ट्रेंड लाइन ही हमारा जो है मेन फोकस आपको जो है इस ट्रेंड लाइन पर ही रखना है। ये ट्रेंड लाइन ही अभी हम जो है इसको फॉलो करेंगे। मान लीजिए यहां से ऊपर जाने के बाद फिर जो है ट्रेंड लाइन पर अगर सपोर्ट लेता है तो हम यहां पर बाउंस बैक दोबारा हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग, ये तीनों मैंने आपको बता दिया है, सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं अब उनके बारे में देख लेते हैं कि आज आने वाले दिन में जो है ये कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है बैंक निफ्टी बैंक के स्टॉक्स यहां पर खोल लेता हूं। अब देखिए यहां पर मैं वनडे का चार्ट लगा लेता हूं यहां पर। अब देखिए जैसा कि हमने कल यहां पर एक्सिस बैंक के बारे में एनालिसिस की थी, तो यहां पर देखिए एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा था। डबल टॉप पैटर्न फाइनली देखिए आज क्लोजिंग डबल टॉप पैटर्न के ऊपर आ गई है। अब जो है आप इसको 538 के ऊपर जो है इसको बाइंग साइड में जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक ये देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस ये है, और जैसा कल मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक हैमर कैंडल हमको दिख रही थी, और जो कैंडल ये जो देखिए ये भी एक कैंडल बनी थी, तो मैंने आपको यहां पर बताया 300 के ऊपर जो है आप इसमें बाइंग साइड जा सकते हैं। तो यहां पर फाइनली हमारा 310 और 312 का टारगेट था, तो 315 इसने आज हाई लगाया, तो ये भी टारगेट हमारा आज अचीव हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, अब बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको यहां पर कल बताया था 45 का लेवल इंपॉर्टेंट है। बट मैं जो है 100 रुपीज के नीचे का स्टॉक जो है मैं प्रेफर नहीं करता हूं, बट मैंने आपको यहां बता दिया कि 45 से 46 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट मूव जो है 46 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर ही आएगी। नेक्स्ट है हमारा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी ये देखिए जैसा मैंने यहां पर एक सपोर्ट यहां पर बना हुआ था, ये देखिए मैं आपको यहां पर एक ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये जो लास्ट जहां से सपोर्ट बार बार बाउंस बैक हो रहा था, यहीं पर देखिए एक सपोर्ट परसों यहां पर बना था, कल यहां पर जो एक अनडिसीजन कैंडल बनी, फाइनली जो है देखिए आज जो है एक इसने अच्छी मूव दे दी है। नेक्स्ट हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में मैंने आपको कल क्लियर कट बताया था, ये देखिए यहां एक तो एक सपोर्ट लेवल पर ये काम कर रहा था। मैंने आपको यहां पर बताया था कि अगर ये आज के हाई को क्रॉस करता है, मीन्स 1223 1224 के लेवल को क्रॉस करता है, तो आप यहां पर बाइंग साइड जा सकते हैं। टारगेट हमारा जो है 1250 का था, तो यहां पर हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अब यहां पर हमको जो है वेट करनी है, यहां पर वेट करनी है 1250 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होने की। 1250 के ऊपर अगर ये 5 से 10 मिनट सस्टेन हो जाता है, फिर आप इसमें जो है बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी देखिए कितना अच्छा परफॉर्म किया है यहां पर। अब यहां पर देखिए जैसा ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ये बार बार नहीं निकाल पा रहा था, 1 टाइम 2 टाइम, तो फाइनली 3rd टाइम जो है कल इसने टच किया था और इसने जो आज गैप अप ओपनिंग दी। और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने ही आज जो है बैंक निफ्टी को एक बहुत अच्छी मूव दी है। नेक्स्ट है आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक में अभी कुछ नहीं करना है फिलहाल, ये यहां पर एक सपोर्ट पे जो है कंटिन्यू यहां पर सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की भी एक अच्छी मूव आज देखने को मिली है, तो इंडसइंड बैंक भी अभी हम ये देखिए अभी कल को अगर हम ये बाइंग करना है तो 650 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, मींस 10 से 15 मिनट 650 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। अब हमारा इंडसइंड में जो टारगेट वो निकल के आएगा वो होगा 665, 680, 685 और 700 का टारगेट निकल के आएगा इंडसइंड बैंक में। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक ने भी जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से मूव नहीं किया। हमारी जो है देखिए हमने जो है मेन इसको जो ट्रेड करना है वो 1605 के ऊपर, इसको अपने रडार पर रखिएगा, इसको बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा। 1605 के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप यहां पर एक रॉकेट मूव देखेंगे, यहां पर एक बहुत जबरदस्त मूव होने वाली है। अगर आप जो है इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी रखना चाहते हैं तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। 1605 के ऊपर ही क्लोजिंग इसको जो है 1650 और 1700 तक लेकर जाएगी। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक भी देखिए अभी जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है, ये देखिए ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है 188 का, तो इसको जो है 190 के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, 190 के नीचे हम इसको बाइंग साइड में नहीं देखेंगे। हो सकता है कि ये इस लेवल से जो है रिवर्स दोबारा हो जाए, क्योंकि यहां पर एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल दिख रही है। सो इसको जो है बाइंग करके अभी ट्रैप मत होइएगा, 190 के ऊपर इसको हम बाइंग के लिए फोकस करेंगे। नेक्स्ट हमारा एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक भी देखिए यहां पर अभी मैं जैसा कि अभी देख रहा हूं कि जितने भी स्टॉक्स हैं नियर अबाउट 75% स्टॉक जो है वो सारे अपने रेजिस्टेंस लेवल पर इस टाइम आकर खड़े हैं। सो हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी इस समय समझ लीजिए, क्योंकि स्टॉक के साथ ही बैंक निफ्टी की मूव होती है, तो स्टॉक सारे बैंक जो है रेजिस्टेंस लेवल पर खड़े हैं, तो समझ लीजिए कि मतलब अभी जो है बैंक निफ्टी में बाइंग थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है।
सो हमको वहां पर जो बहुत कंफर्मेशन के बाद ही बाय करनी है। अब स्टेट बैंक में हम जो है इसमें एंट्री लेंगे 206 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर। 206 रुपए के ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज होती है 5-10 मिनट सस्टेन होने देना उसको, उसके बाद हमारा यहाँ नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 218 और 231 का। अब जो है मतलब एक बार ध्यान से देख लीजिए बैंक निफ्टी में, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये ट्रेंड लाइन ही बैंक निफ्टी के लिए अब मेन है। यहां से अगर बाउंस बैक होता है और दोबारा आपको इस ट्रेंड लाइन पर मिलता है तो वहां पर कंफर्मेशन के बाद आप बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अगर ये 25,500 का लेवल ब्रेक करता है तो हम इसमें जो है जाएंगे 25,300 और 25,200 के टारगेट के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और सेफ ट्रेडिंग करिएगा। और वैसे मैंने आज टेलीग्राम चैनल में आपको टाइम टू टाइम सारा मैं अपडेट करते ही रहता हूं। अगर आप कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अच्छे पैसे बना रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस चैनल से। नेक्स्ट, अगर आपको मेरी पर्सनल कॉल चाहिए जो ट्रेड मैं खुद करता हूं, अगर वो ट्रेड आपको चाहिए विद लेवल, प्रॉपर लेवल के साथ अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में, अलाइस ब्लू में, दोनों में से किसी में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद जो है आपको कंटिन्यू उसमें ट्रेडिंग करनी है। मैं आपको जो है अकाउंट खोलने के बाद से जो है अपने मैं ग्रुप में ऐड करके, पर्सनल ग्रुप में ऐड करके आपको जो है मैं जो पर्सनल कॉल जो मैं खुद ट्रेड करता हूं विद प्रॉपर लेवल्स के साथ आपको वो ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ इंटरेस्टेड हैं अकाउंट खोलने में और प्रीमियम सर्विस, समझ लीजिए आपको प्रीमियम सर्विस फ्री मिल रही है, जिस चीज की आप 10,000-15,000 बाहर देते हो किसी से कॉल सर्विस के, वो चीजें मैं आपको फ्री दे रहा हूं विद लॉजिकल। ठीक है, यहां पर आपको सारे चार्ट जो मिलते हैं सारे लॉजिक के साथ मिलते हैं, विदाउट लॉजिक ट्रेड नहीं करते। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने उसमें रूल्स और डिसिप्लिन जरूर उसमें ऐड करिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अपने रूल्स वगैरह जरूर फॉलो करिए। विदाउट रूल्स यहां पर कोई पैसे नहीं बना सकता, विदाउट मनी मैनेजमेंट कोई पैसे नहीं बना सकता। जहां पर आपके 2-3 स्टॉप लॉस होते हैं वहां पर आप सिस्टम बंद कर दीजिए, उसके बाद ट्रेड मत करिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। मैं इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, सारे रूल्स और डिसिप्लिन के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, स्टे सेफ।